शुरू करें। सभी प्रिय बंधुओं को नमस्कार। साथ साथ जो भी हमारी ये बात सुन रहे हैं अंडमान निकोबार के निवासियों को भी सबको नमस्कार। आज ये प्रेस जो हम बुलाया है, आप सभी यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कल हमारे 1 सितंबर और 2 सितंबर अंडमान टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें रिले हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। ये रिले हंगर स्ट्राइक क्यों है? आज रिले हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर, जो जीवंत मुद्दे हैं उसको लेकर हम लोग जो है 2 दिन का जो हंगर स्ट्राइक में हम लोग बैठेंगे, और ये हंगर स्ट्राइक रहेगा रिले, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी जो आज सरकार में बैठे हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये कहते हैं ये बहरा एडमिनिस्ट्रेशन है, गुंगा एडमिनिस्ट्रेशन है, और ऐसा जो है हमें कितने भी प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें, वो तस से मस नहीं होता है। फिर भी अंडमान के लोगों के, अंडमान के जनता जनार्दन को जागरूक करने के लिए ये जो है हमारा आज रिले हंगर स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं। संदर्भ है कि पावर कट, ये इतना लोड शेडिंग हो रहा है दिन में। इसके पहले आपको मालूम होगा, बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही प्रेसिडेंट, बीजेपी के ही बहुत बड़े बड़े नेता जो जिनका ये आता था मार्च महीना में कंप्लीट हो जाएगा और उसका बाद से कोई लोड शेडिंग नहीं होगा, उन्होंने आपका प्रेस में आके बताया। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई आप चलो, कुछ भी हो, अब मई जून में आपको समाप्त होगा। उसके बाद मई जून चला गया, उसके बाद चलो भाई अभी अगस्त भी चला गया, लेकिन आज कहाँ से, आज इलेक्ट्रिसिटी का जो परिस्थिति है वो आपका समक्ष है। इसी तरह करते 5 साल ये कंटिन्यू 10 साल से ऐसे कर रहा है, ये सुन नहीं रहा है। क्योंकि आपको पहले भी बात हो, हमारा तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कितने बार हेजिटेशन हमने किया है इस इलेक्ट्रिक के संदर्भ पे, और उन्होंने कहा 15 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट मशीन बैठा जाएगा और उसी समय में जो है आपका ये इतना परेशानी दूर होगा। एक छोटा से एक बैटरी बैकअप के लिए, आपको मालूम है जहाँ में आज सोलर प्लांट चल रहा है, उस बैटरी बैकअप के लिए जो है आज वो सक्सेस नहीं है, आज वो चीज़ नहीं ला सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 मेगावाट मशीन हम लोग इंस्टॉल करेंगे किसी हालत से भी, 2 महीना पहले ये बात हुआ मार्च महीना में, लेकिन आज तक उसको बैठाने नहीं सका है। लेकिन अभी सुन रहा है कि कुछ दिन के अंदर में और भी टाइम ले रहा है कि वो बैठाएंगे। लेकिन हमारा बात यही है कि इतने जो लोगों को नुकसान कर रहा है, आज इलेक्ट्रिसिटी आपको 24 आवर्स नहीं है, लेकिन आपका जब बिल आप देखेंगे, आपका जो घर में जो आपका जो मीटर तो चल नहीं रहा है, लेकिन आपका बिल बराबर जो 500 रुपया था, आज आधा दिन आधा महीना वो करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, पर भी उसका जो है 500 रुपीज़ जो है उसको बिल को देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा
एक दुखद बात है अंडमान के लिए। आज स्मार्ट मीटर डाल दिया है जिसमें जो है वो कोई रीडिंग ठीक से सही से नहीं आता है। आपको पिछले महीना अगर 1000 आएगा तो ये महीना भी उसको 1000 आएगा, 1000 से ऊपर आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। ये स्मार्ट ये प्रेस का माध्यम से हमें कंडम करता है कि ये जो स्मार्ट मीटर ये चीज़ जो है अंडमान के लिए अच्छा नहीं है, इसको आप बदलाइए। ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा निवेदन है कि ये चीज़ को जो है ये मीटर को जो है ज़रूर आपको बदलाना चाहिए। पहले जो मीटर था वो आपका सही मीटर था, लेकिन अब जो मीटर लेके आया ये मीटर में कोई आपको कुछ भी आपको सही चीज़ नहीं मिलेगा, ना मिलने वाला है। साथ साथ दूसरा पॉइंट में हमारा ये 100% रिजर्वेशन था। आपने देखा होगा कितना आंदोलन हम लोग हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर समय पे इसमें लाया कि क्योंकि आज 5200 पोस्ट का जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ और जहाँ में इंटरव्यू हो रहा है और उसी के तहत हम लोग ने कहा, हमारा एक ही मांग था कि आप हमारा दीपों का बच्चा, हमारे इस आइलैंड बच्चा को 100% रिजर्वेशन देना होगा। हम कोई बाहर बच्चा को जो है हम लोग नौकरी देने के लिए राजी नहीं हैं, लेकिन पर भी आज जितने भी हमारा यहाँ पे आने वाला समय में जो भी अपॉइंटमेंट होगा ये भी सुनाई दिया कि ये जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ को नहीं माना है। इसलिए सभी जनता जनार्दन से अंडमान के निवासियों से हमारा अनुरोध है कि आप जागिए, ये आज जो है हमारे बच्चों को जो है भविष्य छीन के दूसरा कोई बाहर का बच्चा जो मेनलैंड से आता है बच्चा वो छीन के लेके जा रहा है। और ये आप ज़रूर देखिएगा कि बहुत सारा बच्चे जो है ये हमारे बाहर का बच्चा जो है आके जो है हमारा ये अंडमान का जॉब को लेके जा रहा है। तो ये आपको बताने का था क्योंकि इसके लिए हमारा आंदोलन चाहिए, इसलिए हम लोग आने वाले कल के जो है हम लोग अंडमान आंदोलन छेड़ा है। इसलिए तमाम जनता जनार्दन से हमारा अनुरोध है कि आप इसमें शामिल हो और इसको कामयाब शानदार बनाइए। इसमें केवल हम केवल पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बैठेंगे, इसमें हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा पीसीसी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेवल से लेके ब्लॉक तरफ से लेके जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वो सभी बैठेंगे। साथ साथ ये भी है कि हमारा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी इस जो है इस मुहिम में शामिल होगा, ये भी तय है। तो इसलिए जो और भी जितने भी कई हमारा मुद्दों है, जो जैसा NH4 का हम लोग रास्ता का बारे में जिक्र किया कि आज NH4 का क्या हुआ, आज हमने NH4 का जो रास्ता है वो NH4 का रास्ता 3000 करोड़ जो है मोदी सरकार जो है इसके लिए सैंक्शन किया था, मोदी सरकार सैंक्शन कर दिया, लेकिन आज जो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा 3000 करोड़ बराबर कर दिया लेकिन रास्ता नहीं बनाया। आप किसी से पूछो, आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो कि भाई रास्ता कहाँ है, आप आरटीआई के माध्यम से आप पूछो, आपको दिखाई देगा पूरा रास्ता कंप्लीशन है, केवल पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है। वो पोर्ट होल्स रिपेयरिंग खाली अभी होगा, रास्ता कंप्लीट हो गया, लेकिन आज आप जाइए यहाँ से गाड़ी लेके, यहाँ से आप जाओगे आप नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में पहुंच नहीं सकता है, ऐसा हालात है। कुछ दिनों के अंदर में नॉर्थ एंड मिडिल साउथ अंडमान ये सब कटअप हो जाएगा क्योंकि रास्ता ऐसा कंडीशन में आ गया कि उसमें गाड़ी चलने का लायक नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसको जवाब हमारे मोदी भक्त को देना पड़ेगा कि भाई कैसा आज कहता है कि मोदी जी सेंटर में कहता है, सुना है ना किसी को खाऊंगा ना कोई किसी को खाने दूंगा, लेकिन आज क्या हुआ, पूरा ही तो सब खाली है, कोई रास्ता ही नहीं बना है। 3000 करोड़ ये एक दो पैसा नहीं है, आज यहाँ से कितना से बना है, यहाँ से केवल जीरगाटंग तक रास्ता बना है, उसके बाद से आप बराटन से चले जाओ और डिगलीपुर तक देखो आपको जगह में रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो फिर कहाँ गया है पैसा। थोड़ा कुछ जगह जगह पैच खाली बनाया, बाकी सारा रास्ता खराब होके पड़ा है, एकदम रास्ता बिल्कुल नई के बड़ा हुआ। इसलिए हमारा जितना भी प्रेस बंधु यहाँ पे है हम उनसे भी आग्रह करता है कि एक बार इस उस रास्ता का परिस्थिति को आप लोग एक बार हाईलाइट किए, क्योंकि अंडमान की जनता जनार्दन इसको
सही रूप से मालूम नहीं है कि हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसका माध्यम से हम बताते हैं कि भाई ऐसा रास्ता का कंडीशन है। बाकी ही आप लोग अगर थोड़ा जाके अगर इसको हाईलाइट करेगा तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत हमारे लिए, जनता के लिए, और हम जो ये प्रेस कर रहा है इसका भी सच्चाई साबुत आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप ये चीज़ हम लोग ये कर रहा है, इसका अंदर में जो आज ऐसा एक आपदा, ऐसा एक परिस्थिति हमारा डिगलीपुर क्षेत्र में हुआ, आपको मालूम है रेनी सीजन है, और रेनी सीजन में अब इतना भयंकर बारिश जैसा डिगलीपुर पूरा बह के चला गया, ऐसा परिस्थिति है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप इसको संज्ञान ले, इसके ऊपर में हमारे जो गरीब से गरीब लोग वहाँ पर है, जितने घर डूबा हुआ है, सारा जान मान जितना भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो तो आप भरपाई नहीं कर सकता, फिर भी कुछ हद तक उन लोग को आज उनका साथ में जाके खड़ा होके कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कुछ मदद मिले। साथ ही साथ हम ये भी आग्रह करता हमारा जो उपराज्यपाल महोदय से कि उन्होंने कभी तो अभी तक तो हमने देखा नहीं कि एक जागरूकता का साथ में कोई काम किया है उन्होंने। वो तो हमारा इस द्वीप का राजा है, इस राजा जी सोया पड़ा है, इसलिए राजा जी को हम ये कहते हैं कि राजा जी आप जागे और जग के जो है हमारा डिगलीपुर निवासी को जो है थोड़ा मदद करें, ताकि ये बहुत भयंकर फ्लड, इतना बड़ा फ्लड आज तक डिगलीपुर का हिस्ट्री में हुआ नहीं है, लेकिन ये इस त्रासदी में कम से कम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो सोया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा निवेदन है कि भाई आप थोड़ा इसको जाके संज्ञान ले और हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा मदद करें। साथ ही साथ मैं हमारा कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन से भी हम अनुरोध करते हैं कि भाई आप भी बाकी जो जितने भी पॉइंट्स के बारे में वो सारा चीज़ को जिक्र करें। और यही अंतिम समय में हम ये कहते हैं सारे जनता जनार्दन इस साउथ अंडमान के, ये जो आज आने वाला कल को जो हम लोग बैठेंगे, ये जो हमारा रिले हंगर स्ट्राइक रहेगा, ये सवेरे से हम 10 बजे से शुरुआत होगा और शाम 6 बजे से एक ग्रुप रहेगा, उसके बाद नाइट में हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे और एक ग्रुप, और उसके बाद दूसरे दिन जो है 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे समापन होगा, और समापन का जो घड़ी होगा उसमें हमारा पब्लिक मीटिंग के साथ में हमारा समापन होगा। साथ साथ जितने भी साउथ अंडमान के हमारे ऑटो चालक भाई से लेके तमाम जनता जनार्दन से हमारा अपील है कि ये मुद्दा जो है ये आप सबका मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है। इस मुद्दे में अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो हम सोचता है कि फिर हमारा लोकतंत्र ही बेकार होगा। इसलिए आप सभी से मेरा पूर्ण रूप से और एक बार अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी सुने हमारी बात को कृपया करके आने वाला कल जो है हमारा साथ में साथ दे, ताकि हम इस मुद्दे को लेके हम संघर्ष कर सके और इस मुद्दे को जो है हम जो मुद्दे हम लिया है इसको हम कामयाब कर सके, यही आपसे विनती है। नमस्कार। सबका नमस्कार। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट ने जो विस्तार से आपको कुछ मुद्दों के बारे में बात किया, हम शिक्षा के बारे में बात करने वाला हूँ। आज जो अंडमान के अंदर में शिक्षा का क्वालिटी जो नीचे गिरते जा रहा है, इसका क्या कारण करके हम लोग एनालाइज किया, उसमें है कि टीचर्स का जो है शिक्षा के बारे में हम लोग बहुत चिंता है। देखिए बच्चों लोग आज मेनलैंड का बच्चे लोग से कंपटीशन करना पड़ता है, इधर का शिक्षा का क्वालिटी जो है नीचे होते जा रहा है, क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है। हाल ही में आप देखा होगा हमारा मुख्य सचिव ने इन्वॉल्व होके जो कार निकोबार में एक दो दो तीन तीन महीना के लिए एक टीचर भेज रहा है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन जब तक रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं होगा, हम आपके माध्यम से मुख्य सचिव को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म करके जो जगह में टीचर्स नहीं है टीचर्स को
वहाँ जगह में वो सब्जेक्ट में, खासकर कंप्यूटर साइंस में, साइंस सब्जेक्ट्स में टीचर्स नहीं है। सबका इक्वल राइट मिलना चाहिए। खाली पोर्ट ब्लेयर का बच्चा लोग को एजुकेशन है और बाकी दूर जगह इलाका का जो एजुकेशन सिस्टम को इन लोग इक्वलाइज नहीं किया, ये मुख्य सचिव का नॉलेज में है, उन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने का समय में बहुत बच्चे लोग निकल जाएगा। आप देखा डीप रेड का इशू है, अभी तक तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। जितना बच्चे लोग डीप रेड में था सब टीसी लेके बाहर चले गया, ये अच्छा बात नहीं है अंदमान के लिए, अच्छा बात नहीं, क्योंकि ये जो हमारा शिक्षा जो है, अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का बात आया, डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी ये कब तक होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा अंदमान में, ये देखना पड़ेगा। मतलब जो फार्मर का बच्चा जो बाहर से आता है वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो हमारा आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन को आप एक व्यापार मत बनाइए, एजुकेशन को सिंपल रखिए। अभी वो स्टेज नहीं आया कि हमारा जो जो लोअर इनकम ग्रुप फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पानी का तो आपका मालूम है, लास्ट 4-5 साल से आप लोग देख रहे हैं, धनिकारी डैम को हाइट बढ़ाया, फिर भी हमारा जो पानी का जो देने का, देखिए बाकी सब क्षेत्र में आप टैप खोलो पानी आएगा, अंदमान के अंदर में इतना बारिश है, लेकिन आपको 4 दिन 5 दिन 6 दिन में पानी दे रहा है। इसका भी हम लोग का देखिए, कल मुख्य सचिव से मिला है, मुख्य सचिव पूरा ये पॉइंट के बारे में विस्तार से बात हुआ। पानी का समस्या जो मुख्य सचिव का जो स्टेटमेंट है, अगला साल वो सॉर्ट आउट करने का वो प्रयास कर रहा है, कम से कम प्रयास हो रहा है, अभी पहले वो भी नहीं होता था। जनता को तो हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 6 साल हो गया शायद, और कुछ दिन रहेगा, उसको तो किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई पब्लिक के साथ मीटिंग नहीं है, कोई लीडर्स का साथ मीटिंग नहीं है, वो कैसा अपना रिपोर्ट लेंगे। देखिए एक महाराजा वो टाइम में एक तमिल में बोलता नगरवलम, नगरवलम का मतलब है महाराजा रात को दूसरा कपड़ा पहन के वो घूम के देखिए अपना प्रजा लोग सब कैसा है। हमारा महाराजा तो बाहर आता ही नहीं है, आने से तो गोल्फ खेलने जाता है, गाने से तो फिशिंग में जाता है। ये हमको जो बात लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में तालमेल नहीं है। अभी जो सिचुएशन है एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट में काम कर रहा है, सेक्रेटरीट से जो भी पेपर जाएगा सैंक्शन के लिए हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, उधर में जाके रुकावट आता है। ये कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे क्योंकि ये जो सच्चाई बात है। पानी का तो इमिडिएटली इन लोग सॉर्ट आउट कर देगा, और आप देखिए अंदमान में नौकरी नहीं है, बहुत कमती नौकरी है। अभी जो हाल ही में जो 15-18 हज़ार नौकरी का जो इन लोग प्रयास कर रहा है, शायद 5 हज़ार तो फुलफिल हो गया, बाकी पेंडिंग है। ये सिचुएशन में डिपार्टमेंट को इन लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जितना भी मीटर रीडिंग रीडर्स था, लाइनमैन था, सबको निकाल दिया, वो प्राइवेटाइजेशन को और जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आप बताइए ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो मंगाया, कोई टेंडर प्रोसेस के बारे में आपको मालूम है, कौन टेंडर किया, कितना आदमी टेंडर में पार्टिसिपेट किया, वो टेंडर क्यों अंदमान में नहीं हुआ। आप जो जो बड़ा टेंडर है, जो जो ये है, वो दिल्ली में ख़त्म हो जाता, जैसा NH का है। NH का अगर अंदमान के कॉन्ट्रैक्टर को देता 10-10 किलोमीटर एक एक कॉन्ट्रैक्टर को देता, आज आपको अकाउंटेबिलिटी है। आज NH रोड जो PWD से आप NH को दे दिया, पैसा दे दिया, रोड नहीं मिला आपको। रोड को आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट करता, रोड को प्लीज़ वापस ले लीजिए, कम से कम रोड बन जाएगा। आज हमको दूर भी नहीं दिखता रोड बनेगा। आप जो सोशल मीडिया में देखा होगा कितना पानी बहता है, वो रोड है ही नहीं है, पॉटहोल्स है, मतलब उधर से
ट्रैवल करने का इतना मुश्किल है, तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहा ना। अगर पीडब्ल्यूडी के पास था, आज ये सिचुएशन आता है, कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी होता है। और हमारा जो तरक्की तो हो रहा है, एक ब्रिज बन गया, एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर गैप है। 2015 में हमारा नितिन गडकरी जी बोला कि चाटम से बम फ्लड का ब्रिज बनेगा, वो बनना चाहिए। चाटम का ब्रिज बनने से दोनों दो स्पीयर का जो जॉइंट होगा बढ़िया होगा, मतलब ये भी एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, ये होना चाहिए। ये छोड़ के, ये सब डेवलपमेंट का छोड़ के, इन लोग जाके डेवलपमेंट कर रहे हैं ग्रेट निकोबार में। 160 स्क्वायर किलोमीटर का ज़मीन को इन लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसी भी आप देखिए, हम लोग अगस्त महीने में बैठा है, बारिश नहीं है, बारिश जो है कमती होती जा रहा है। आप इतना बड़ा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, ये तो नेचर ना, नेचर आपको जवाब देगा, नेचर आपको जवाब देगा। आपको 160 किलोमीटर आप स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को आप डिस्ट्रॉय करेगा, उधर में क्या होगा? 5 लाख आबादी को उधर सेटल करेगा, इधर का आदमी ऐसी भी सफ़र कर रहा है। आप जो आबादी इंडिपेंडेंस का पहले से है, उसको तो आप लोग पानी और बिजली और ये सब सेटल करिए ना। आज हम लोग कांग्रेस का तरफ से जो कल से जो रिले अंगर स्ट्राइक जो कर रहा है, ये जो है हमारा मांग पूरा करने के लिए, पब्लिक का मांग पूरा करने के लिए कर रहा है। कोई मत सोचे कि ये किसी का अगेंस्ट में कर रहा है, कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन का अगेंस्ट में कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। हम लोग ये कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहा है, पब्लिक के साथ में हम लोग मिलके ये प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। हाईलाइट जब तक दिल्ली नहीं सुनेगा, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा। देखिए कुछ कुछ इश्यूज इन लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में एक स्टेटमेंट देना है, भाई पानी का समस्या था, अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं। एनएच का समस्या है, कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने के बाद क्या एक्शन हो रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का अभी हमारा जो आज का जो कैपेसिटी है शॉर्टफॉल है, ये शॉर्टफॉल को हम कैसा फुलफिल करेगा, ये बैटरी बैकअप कैसा लेके आएगा, ये सब पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए ना। ये तो फंडिंग तो कोई महाराजा का फंडिंग नहीं ना। फंडिंग आप देखिए, हमारा जो प्लान और नॉन प्लान फंड आप दोनों मिला के देखिए कितना करोड़ों रुपये आता है, वो कितना करोड़ों रुपये में आप पब्लिक का कितना आबादी है वो डिवाइड करके देखिए। एक एक अकाउंट में जैसा मोदी जी ने बोला 15 लाख रुपया एक एक अकाउंट में गिरेगा, आप कैलकुलेट करके देखिए एक साल का फंडिंग का, आप डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल आप कैलकुलेट करके कितना लाख रुपया आएगा एक आदमी को। ये उतना फंड आने के बावजूद भी हम लोग वैसी के वैसी है, नहीं उनसे पीछे ही जा रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हम लोग पीछे जा रहा है, पानी का हम लोग पीछे जा रहा है, एजुकेशन में हम लोग पीछे जा रहा है। ये कौन मुद्दा उठाएगा? हमारा तरह रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी इसको मुद्दा को उठाएगा। इसलिए हम लोग कल ये जो धरना जो है हम लोग कर रहे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।